So my sweet little princess, क्या सोच रही हो तुम? तुम तो कहते हो कि हम दोनों के दिल एक हैं, तो तुम बताओ कि मैं क्या सोच रही थी? अल्लाह, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। It's very simple. तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। Oh really? तो बताओ मैं क्या सोच रही हूँ? अभी तो तुमने कहा कि हमारे दिल एक हैं, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए ना मैं क्या सोच रहा हूँ। बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ? You? तुम सच में जानना चाहते हो मेरे दिल में इस वक्त क्या है? जानना चाहता तुम्हारे दिल की हर बात। मैं ये सोच रही थी कि 2 महीने बाद मेरा बर्थडे है और तुम मुझे मेरे बर्थडे पर क्या गिफ्ट दोगे? बताओ ना क्या गिफ्ट दोगे? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि चाची की बीमारी की वजह से हमारा कितना पैसा खर्चा हो गया। बट हे प्रिंसेस, फैमिली की कंडीशन चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा बर्थडे यादगार बना के रहूंगा। और वो कैसे करोगे? Well, that's a surprise. नहीं, मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई ना, अब तुम भी मुझे बताओ ना। प्लीज प्लीज बताओ क्या करोगे तुम मेरे बर्थडे पर? अपने बर्थडे के दिन जब तुम अपनी आंखें खोलोगी और अपनी नींद से जागकर जब अपनी खूबसूरत सी अंगड़ाई लोगी, तब मैं अपने इस नाजुक से फूल पर पीले फूलों की पंखुड़ियों की बारिश करूंगा, जिसकी खुशबू से तुम्हारी सांसें महक जाएंगी और तुम्हारे उस दिन की खूबसूरत शुरुआत होगी। नो ज्ञान, मुझे येलो फ्लावर्स नहीं पसंद है, मुझे सिर्फ रेड फ्लावर्स पसंद है। मलिका का हुक्म सराखों पर अब लाल गुलाब की पंखुड़ियां बरसेंगी और मेरी प्यारी सी सिद्धि का गुलाब जैसा चेहरा और भी गुलाबी हो जाएगा। और उसके बाद? उसके बाद? उसके बाद ब्रेकफास्ट। उस दिन मैं अपने हाथों से अपनी प्यारी सी सिद्धि के लिए एक स्पेशल और बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाऊंगा और वो तुम्हें यहाँ बेड पे सर्व करूँ। ये है तुम्हारा स्पेशल ब्रेकफास्ट आज के यादगार दिन के लिए। तुम्हारा यादगार नाश्ता आलू के पराठे, दही और साथ में आम का अचार। आलू के पराठे, वो भी इतनी सुबह सुबह और मेरे बर्थडे पर? नो वे। तो ठीक है, नो आप बताओ आपको क्या पसंद है। आई वुड लाइक टू हैव स्क्रैम्बल्ड एग विद टोस्ट एंड ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी? ब्लैक कॉफी क्यों? ओए, गोरा रंग काला पड़ जाएगा गोरिये। ज्ञान, मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए। आई लव इट। एंड आई लव व्हाट यू लव। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। ये लो। ये रही तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफी। बताओ कैसी है, पी के बताओ। इट्स लवली। Fantastic. Just like like you. और उसके बाद? उसके बाद की? What? ओए नहीं ओए, उसके बाद तो आपको स्पेशल गिफ्ट देनी है और वो स्पेशल गिफ्ट है हमारी सिद्धि के लिए बहुत अच्छी सी पार्टी जो हम सबके साथ मनाएंगे, अपनी पूरी फैमिली के साथ। What? क्यों, अपने परिवार के साथ खुशी मनानी चाहिए ना। ज्ञान, मेरे लिए ये खुशी बहुत पर्सनल है। शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे है तुम्हारे साथ और मैं चाहती हूँ कि इसे सिर्फ हम दोनों सेलिब्रेट करें। एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर विद सॉफ्ट म्यूजिक एंड डांस, सिर्फ हम दोनों और उसके साथ ओनली रोमांस। रोमांस तक तो ठीक है, लेकिन ये कैंडल लाइट डिनर कितना अनहाइजीनिक सा होता है। अंधेरे में जब कैंडल जलती है तो आजू बाजू में कीड़े आ जाते हैं ना, और खाने में अगर कोई कीड़ा गिर गया तो मैं नहीं खा सकूंगा। म्यूजिक चलेगा तो हम बात कैसे करेंगे, और अगर तुम डांस करोगी तो तुम खाना कैसे खाओगी? Can't stop it. मुझे अपना बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करना है और तुम्हें तुम्हारी प्रिंसेस का ऑर्डर मानना होगा। ऑर्डर मतलब?
हाँ तो लव अभी दे देना, ऑर्डर बाद में दे देना। पहले ऑर्डर पूरा करो फिर लव मिलेगा। तो मन मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा, वो जो तुमने अपनी जुबान से कह दी और वो जो तुम्हारी आंखें कह रही हैं, और वो और जो तुम्हारे दिल की बढ़ती हुई धड़कनें कह रही हैं। दो बार मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा, वो जो तुमने अपनी जुबान से कह दी और वो जो तुम्हारी आंखें कह रही हैं, और वो जो तुम्हारे दिल की बढ़ती हुई धड़कनें कह रही हैं। वो एक्चुअली कल सुबह मेरी और अक्षय की मीटिंग है, उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अपॉइंटमेंट दी है। या ज्ञान, बट उसके लिए ये सूटकेस। अब वो मीटिंग यहाँ पर नहीं है, आउट ऑफ टाउन है, सोनीपत। व्हाट? सोनीपत, और वो भी कल ही? ज्ञान तुम कल मेरे पास नहीं रहोगे? ज्ञान तुम्हें याद तो है ना कल क्या है? मैं जानता हूँ सिद्धि, कल तुम्हारा बर्थडे है, बट व्हाट? इट डजंट मैटर टू यू ना ज्ञान, शादी के बाद ये मेरा पहला बर्थडे है तुम्हारे साथ, और फिर भी तुम कल। सिद्धि सिद्धि, आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि हम अपना सब कुछ बेच चुके हैं, मैंने, बाबूजी ने, रौनक भैया ने, खान चाचा ने, धर्म चाचू ने, हम सब ने अपना सब कुछ बेच दिया जाई जी के इलाज के लिए, और जब हमें मौका मिल रहा है कि हम सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं, इनफैक्ट पहले से भी बेहतर कर सकते हैं, तो हमें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे उसके लिए तुम्हें अपनी बीवी की खुशियां ही क्यों ना गंवानी पड़े। सिद्धि, I'm really sorry. मैंने बहुत कोशिश की ये मीटिंग पोस्टपोन करने की, लेकिन वो ऑफिसर कल के बाद अगले 3 महीने तक डेट नहीं दे रहा है। इतना लंबा इंतजार, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि सारे घर वालों की होप्स मुझ पे टिकी हुई है। और मेरे होप्स? उनका क्या होगा क्या? तुम देख रहे हो फिर से ये बोर्ड फैमिली हम दोनों की खुशियों के बीच आ रहा है। शादी के बाद ये मेरा पहला बर्थडे है तुम्हारे साथ, और तुम, डोंट यू अंडरस्टैंड कि एक वाइफ की क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या ड्रीम्स हो सकती है ऐसे खास दिन को लेकर? मैं जानता हूँ सिद्धि, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कल की मीटिंग सक्सेसफुल होती है ना, तो उन खुशियों पर जितना हक मेरी फैमिली का होगा उतना हक तुम्हारा भी तो होगा। अच्छा मुझे सिर्फ एक बात बता, एक दिन की खुशी के लिए मैं अपनी सिद्धि की जिंदगी भर की खुशी दांव पे तो नहीं लगा सकता ना? ये एक दिन मेरे लिए पूरी जिंदगी से कम नहीं है क्या? और इस दिन पर सिर्फ तुम मुझे खुशियां दे सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? Let it be. सॉरी माय स्वीट लिटिल प्रिंसेस, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वापस आते ही मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। प्लीज समझने की कोशिश करो, कुछ ही घंटों की बात है। अच्छा आई प्रॉमिस यू, काम खत्म होते ही पहली फ्लाइट पकड़ के कल शाम से पहले वापस आ जाऊँगा, और उसके बाद हम दोनों तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों अकेले, और साथ में होगा हमारा रोमांस। प्रॉमिस? जेंटलमैन्स प्रॉमिस। नो एक्सक्यूजेस। नो एक्सक्यूजेस। जल्दी आना, मैं वेट करूंगी। ओके
हेलो, आज सिद्धि की बर्थडे है वरुण। आई होप यू रिमेम्बर दैट। मैं जानता हूं तराना, सिद्धि का बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूं। पहले हम लोग म्युनिसिपल ऑफिसर से मिलेंगे, उसके बाद साइट पर जाएंगे। हाँ, अगर काम जल्दी करवाना है तो। ज्ञान, क्या हुआ? कहाँ खोए हुए थे? क्या सोच रहा है? सिद्धि के बारे में सोच रहा हूँ। शादी के बाद से हालात ही कुछ ऐसे रहे कि फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं उसे कभी टाइम नहीं दे पाया, लेकिन अब दूंगा। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी ना, सीधा भागूंगा वापस घर। सिद्धि का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी यार। आज की शाम सिद्धि के नाम, आई नो शी इज मिसिंग मी अ लॉट। बहुत प्यार करती है ना मुझसे। प्यार तो तू उससे करता है ज्ञान, उससे कहीं ज्यादा, और सच्चा भी। सच्चा प्यार तो उसका है यार, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में उसने मेरा साथ दिया है हमेशा। बहुत प्यार करता है ना उससे, इसीलिए शायद उसमें कोई कमी नहीं देख पा रहा है। मतलब? ज्ञान, मुझे तुझसे सिद्धि के बारे में एक बात करनी थी। मुझे गलत मत समझना ज्ञान, आई नो तू उससे बहुत प्यार करता है, वो भी तुझसे करती होगी, लेकिन आई मीन यार साफ साफ कहना क्या कहना चाहता है। एक्चुअली ज्ञान, बात ही कुछ ऐसी है ज्ञान, वो सिद्धि, सिद्धि तुझे चीट कर रही है ज्ञान। क्या कहा तूने? कम अगेन, सिद्धि क्या कर रही है मेरे साथ? ज्ञान, सिद्धि तुझे चीट कर रही है, तुझे धोखा दे रही है। हाँ ज्ञान, सिद्धि और वरुण के बीच। स्टॉप इट अक्षय, जस्ट स्टॉप इट। क्या बकवास कर रहा है तू? और वो भी तू, जो तू अक्षय इतना ब्रॉड माइंडेड होकर ऐसी बातें कैसे कर सकता है, वो भी मेरी सिद्धि के बारे में। ज्ञान तो समझ नहीं रहा है। क्या नहीं समझ रहा? तू नहीं समझ रहा? क्या ये गलत है? सिद्धि वरुण से मिलती है, उसे हस्ती बोलती है, तो क्या ये गलत है? नहीं, they're just friends. बहुत गलत समझा तूने मेरी सिद्धि को, और ऐसा सोच भी कैसे सकता है? शायद प्रार्थना भाभी ऐसे बिहेव नहीं करती इसलिए। ज्ञान, ऐसी बात नहीं है, देख बात को समझने की कोशिश कर तू। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिद्धि अगर ब्रॉड माइंडेड है, उसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे धोखा दे रही है। देख, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, उसके पीछे एक रीज़। बहुत बड़ी भूल की है तूने ऐसे सोच के, वो भी मेरी सिद्धि के बारे में। बहुत गलत समझा तूने सिद्धि, और थैंक गॉड तूने ये थॉट मेरे से शेयर किया। अगर तूने सिद्धि को ऐसा कहा होता ना, तो वो बेचारी टूट जाती। मैं जानता हूँ वो मुझे बहुत प्यार करती है, उसकी आंखों में देखा है मैंने, उसकी खुशबू, उसका एहसास अब भी वैसा ही जैसे पहले था, और हमेशा वैसा ही रहेगा। भगवान भी अगर आके मुझसे कह देना कि वो मुझे धोखा दे रही है, तो मैं उसकी बात पे विश्वास नहीं करूंगा। और अब तो मुझे और डर लग रहा है, तेरे प्यार के साथ आज तेरे विश्वास की हद भी देख ली मैंने। जब सिद्धि का सच तेरे सामने आएगा तो, लेकिन अभी इस तरह बात करके शायद मैंने ठीक नहीं किया। देख, मेरा इंटेंशन तुझे हर्ट करने का नहीं था। मैंने जो महसूस किया, एक दोस्त होने के नाते तुझे कह दिया। अगर तुझे फिर भी मेरी बात बुरी लगी तो मुझे माफ कर दे यार, आई एम सॉरी।
तुम आ गए? कितनी देर लगा दी? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ? On your day, I just want to say. That you can count on me to be your friend till the end. Just wait and you will see.